Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up back with another important video. I've got many more questions for you to solve up from every chapter of Science 1, which is again an important question, a highly repeated question, and again that can help you fetch good marks in board exams. Starting up again, the first question is from the Science 1 chapter number 1, Gravitation. We have got this important question as Kepler's 3 law. Now, if you are a newbie who has just come to the chapter for the very first time and have no idea that what all questions should I study and go, I just want to tell you it. This question is something which is very important from board exam point of view. Alright? And agar aapne question ko padha hai, to aap ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है एग्ज़ाम में, उसी के साथ में अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक न्यू भी हुआ, मतलब आप पहली टाइम या आंसर या क्वेश्चन को देख रहे हो, तो फिर आप ये समझ लो कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है। अब जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे ही करना है। ओके, केपलर्स का 3 लॉ है। द फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, बहुत अच्छा एक डायग्राम दिया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको ये डायग्राम को कंसिडर करके केपलर के तीनों भी लॉ लिखने का है, केपलर के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और उसके साथ में मेक श्योर करना है कि डायग्राम आप बराबर सर्कल के थ्रू बना रहे हो, जिससे आप पूरा लेबलिंग, पूरा मेंशनिंग बराबर करें, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। ऑल राइट, मूविंग फर्दर हेड, केपलर का सेकेंड लॉ है यहाँ पर, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो यहाँ पर लाइन दिख रही है आपको, जो प्लैनेट और सन को यहाँ पर एकदम सामने सामने जोड़ रही है, उसको आपको यहाँ पर ये समझना है कि दोनों भी इक्वल एरिया में, इक्वल टाइम जोन में ये रोटेट हो रही है। समझ में आया आपको? केपलर्स थर्ड लॉ ये है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर क्या बोला आपको, यहाँ पर जो ये पूरा डायग्राम में, अब यहाँ पर बोला है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड ऑफ अ प्लैनेट। मतलब कोई एक रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट का स्क्वायर जो सन के अराउंड होता है, सन के आसपास बार बार जो घूमता है, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अभी ये क्यूब है, पहले वहाँ पर क्या बोला था, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मतलब क्या, सारे डिस्टेंस को टोटल करके सन से, सन के डिस्टेंस से डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया? तो अब आपको मिलेगा मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। आई होप आपको ये तीनों लॉ एकदम ईजिली समझ में आ गया रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये, व्हाट इज बायस कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉल्ड एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट चेंज विद नेचर, मास और साइज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। मतलब यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, भले से कोई भी चेंज क्यों नहीं हो जाए। भले से समझ लो प्लूटो एक प्लैनेट है जो ड्वार्फ है, मतलब है ही नहीं, बट समझ लो कल उसका साइज अगर जुपिटर से भी बड़ा हो जाता है, तो भी उससे ग्रेविटेशनल के लॉ को बिल्कुल कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ग्रेविटी को वो इफेक्ट नहीं करेगा। ऑल राइट, इट डज नॉट वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर मीडियम बिटवीन द टू पार्टिकल्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर बताया गया है ये दो पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी वैरी नहीं करेगा, बिल्कुल सब दो सबके बीच में सेम ही रहेगा। समझ में आ गया? और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर है, मतलब क्या, यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट है, कोई चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं। मतलब समझ लो अगर ये चीज़ चेंज हो जाएगी तो वो लॉ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी के साथ में सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड टू ऑल द पार्टिकल्स, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह एप्लीकेबल है, थ्रू आउट द यूनिवर्स मतलब क्या, पूरे ब्रह्मांड में, और उसी के साथ में सारे पार्टिकल्स के लिए, मतलब सारे के सारे माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। फ्री फॉल का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट
जो मूव करता है ग्रेविटी के फोर्स के जरिए उसको बोले गया फ्री फॉल। सो मतलब आपने बॉल आसमान में फेंका वो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि वो नीचे आएगी, तो उसको बोले गया फ्री फॉल। वॉट इज एस्केप वेलोसिटी? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर विच द बॉडी इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर बोला गया कि जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड, समझ लो एक बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका ज़मीन पे से, तो जो स्टार्टिंग के टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी रहेगी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसके वजह से वो इतने स्पीड में ऊपर जा रहा है बट उसको एक फोर्स भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको वापस खींच के नीचे लाने वाला है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसका ऊपर जाने का फोर्स कम हो रहा है क्योंकि नीचे आने का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। इसको हम बोलेंगे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया आपको? अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, मैं आपको बोलूँ कि अगर बदले से कैंसिल किया गया इसको प्लीज़ रेफर करना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। द मास ऑफ द बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। ओके, मास मतलब एक चीज़ के अंदर कितना एक क्वान्टिटी टाइप है। ओके, और वेट मतलब उसका वजन कितना है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मास में मैग्नीट्यूड नहीं है और ना कि डायरेक्शन है, बट वेट की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझ में आया? मास आपका जगह से जगह चेंज नहीं होगा बट वेट आपका जगह से जगह चेंज हो जाएगा। यस और नो? सब आप स्पेस पे जाते हो, स्पेस में जाएंगे तो आपका वेट बहुत वैरी करेगा। उसी के साथ में फोर्थ पॉइंट है, इट कैन नेवर बी जीरो, इट इज़ जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया? ये आपको ये समझना है कि मास एक बॉडी के अंदर की क्वांटिटी है और वैसे ही वेट बॉडी के अंदर का वजन है। ऑलराइट, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। अब मैं आपको बता दूं कि भले से ये आंसर कैंसिल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, उसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration produced in a body due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. एक speed, acceleration मतलब क्या? Speed, okay? अब acceleration जब produce होता है body के अंदर gravitational force के वजह से, उसको बोलेंगे acceleration due to gravity. समझे? Explain the factors affecting the value of g. अब ये factors जो है g के बहुत ज़्यादा valuable question है ये। क्यों वैल्यूएबल है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत टाइम पहले एक बार पूछा गया था और रिसेंटली 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर 2020 में पूछा गया तो क्या पता वापस से आपको ऑब्जेक्टिव या वापस से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ, इट ऑल्सो वैरीज विद द एल्टीट्यूड एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सर्फेस। मतलब क्या? ये बार बार प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है और ये जो है ना ये वैरी करता है, मतलब क्या करता है, चेंज होते रहता है। ओके, मतलब बदलते रहता है। वेरीज मतलब क्या? बदलते रहना विद द एल्टीट्यूड। जैसे ऊपर जाओगे या जितना नीचे जाओगे उससे क्या आएगा, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपका चेंज होते रहेगा। ओके, वैल्यू ऑफ जी क्यों चेंज होगा? क्योंकि अर्थ के शेप के वजह से, अर्थ के हाइट के वजह से और अर्थ के गहराई के वजह से। समझ में आया? द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, इट इज़ समवॉट फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। मतलब क्या? अर्थ पूरा बराबर गोल नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लैट है वो, ओके, पोल्स पे, और बल्जिंग है। बल्जिंग मतलब बाहर आया हुआ है इक्वेटर की तरफ। सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ में मतलब क्या? जमीन के एकदम निचले लेयर पे, तल पर, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल एज द पोलर रेडियस इज मिनिमम while it is minimum 9.782 meter per square, okay? Now, यहाँ पर एक बात बोली गई कि एज द इक्वेटोरियल रेडियस इज मैक्सिमम, एज द हाइट एच अबाउट द अर्थ सर्फेस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। मतलब हाइट जैसे जैसे अर्थ के सर्फेस पर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। इट वेरीज 1/ आर प्लस एच द होल स्क्वायर वेर आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जिसको याद रखने से क्या पता एग्जाम में आ जाए और आप डेफिनेटली ऐसा ही लिखो, आपको 2 मार्क्स मिल जाना चाहिए। इसी के साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से ख़त्म हुए। मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स को नहीं इन्वॉल्व किया क्योंकि मुझे लगा कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट इफ अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस करना. आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ में. डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड ऑल्सो फॉलो द सेम चैनल फॉर अनदर इंपॉर्टेंट वीडियोज, एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट.